साल 2020 की शुरुआत में देश और दुनिया जब कोरोना काल से लड़ने की तैयारियों में जुटी थी, तब जनता कर्फ्यू लगाया गया था। तब भारत में कोरोना वायरस के कुल 330 मामले थे और तब ये रफ्तार डराने वाली लग रही थी। अब एक साल बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर उछाल मार रहे हैं। जो केस हर रोज 15,000 के करीब पहुंच गए थे, अब फिर से एक दिन में 40,000 के करीब मामले आ रहे हैं, जो हर किसी को डरा रहा है। 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इस जनता कर्फ्यू के तहत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हर किसी को अपने घरों में कैद रहना था। कोई बाजार, कोई दुकान, कोई सार्वजनिक वाहन, कोई दफ्तर, कोई स्कूल या कॉलेज, सब कुछ बंद कर दिया गया था। बेहद जरूरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काम पर जाने की छूट दी गई थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो थाली बजाने की अपील की थी, उसका भी असर देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की बालकनी, मेन गेट के बाहर तालियां बजाने और थालियां बजाने के लिए आए थे। फिर चाहे वो झोपड़ी में रहने वाले कोई गरीब आदमी हो या फिर कोई बॉलीवुड का स्टार। बाईस मार्च के जनता कर्फ्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को एक बार फिर देश को संबोधित किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू के पालन की तारीफ की थी, लेकिन इसी के साथ ही देश में 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। यानी लोगों को पूरे 21 दिन अपने घरों में रहना था, ना कोई कहीं आ सकता था और ना ही कहीं जा सकता था, सब कुछ बंद, यानी पूरा देश बंद। इसी बीच कुछ मंत्रियों के अजीब बयान और तरीके बताए जिससे कोरोना चला जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी 21 दिन में कोरोना खत्म होने का दावा किया था। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। वहीं रामदास अठवाले गो करोना गो के नारे लगाते नजर आए। केंद्रीय मंत्री अंजुन राम मेघवाल भाभी जी नाम के पापड़ का प्रचार करते दिखे थे। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने ये तक दावा किया था कि ये पापड़ कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव में कारगर साबित होगा। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने ऐसा ब्रांड निकाला है, जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। इसी दौरान कुछ और मंत्रियों के बयान भी सामने आए थे, आप ये वीडियो भी देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है, वो अपने आप में आइकॉनिक है और लेजेंडरी है, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कोरोना वायरस 12 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है और जनता कर्फ्यू 14 घंटे का है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जो किसी भी देश ने सही वक्त पे नहीं खेला, जो हम भारतवासी खेलने जा रहे हैं संडे को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक। 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को 9 बजे दिए जलाने को कहा था, ये सबको याद ही होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ साथ कई नेता बॉलीवुड स्टार्स ने भी अपने घरों में दिए जलाए थे। देश की जनता के भी कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें लोगों ने दिए जलाए और कुछ अलग ढंग से भी इसे करते हुए नजर आए। अब थोड़ी बात मीडिया की भी कर लेते हैं। देश में जब लॉकडाउन लगा तब पहले मीडिया ताली और थाली बजाने की तारीफ करता दिखाई दिया और कोरोना का इल्जाम तबलीगी जमात पर लगाता दिखाई दिया। बचपन में जो खेलते थे वो याद तो होगा आपको, तो इस बार मैं शुरू कर रही हूँ समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम आप पर अंत हुआ म, तो म से मुझे गाना गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। पर आपकी बात ऐसे कहने से कोई सुनने वाला नहीं है मीका जी, जब तक आप गा के नहीं बताएंगे सबको। सुलेमान मर्चेंट सुन रहे हैं आप, देश को बांध दीजिए एक दौर में, गा के कुछ बताइए, गिव देम अ रिस्पॉन्स इन सुर में। दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है, दिल्ली का निजामुद्दीन। देश में इस वक्त जितने कोरोना के मरीज हैं, कई लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन निजामुद्दीन की तबलीगी जमात के साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निजामुद्दीन से सटे मरकज में जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है। जी हां, मरकज ने मामला बिगाड़ दिया है। 16 देशों के समेत देश के 19 राज्यों से लोग यहाँ जमा हुए, तो आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना वायरस के संक्रमण का हॉटस्पॉट बन गया है यहाँ पर। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बाद भी पिछले दिनों तबलीगी जमात के कार्यक्रम में करीब 1500 लोग इकट्ठा हुए। जमात का दफ्तर है, मरकज है तबलीगी जमात, और आज की ये चर्चा उसी तबलीगी जमात की एक बेहद जहालत भरी हरकत पर है। जब देश में दूसरा लॉकडाउन 14 अप्रैल को लगा तो मजदूर सड़कों पर उतरे और पैदल अपने घरों की ओर चल दिए, जिसको गोदी मीडिया ने तो कवर नहीं किया, पर कुछ पत्रकार जैसे अजीत अंजम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा जैसे अन्य पत्रकारों ने इस मुद्दे उठाया और अपनी वीडियो के जरिए सरकार से सवाल भी किए। पहले आप माइग्रेंट वर्कर्स की वीडियो देखिए और उनको सुनिए वे क्या कह रहे थे। आप लोग पीओपी का पीओपी का तो इधर काम सारा बंद हो गया, सब काम बंद हो गया सर, कुछ रहने गया, भूखे रह रहे हैं, क्या करेंगे, ऐसे अच्छा पैदल पैदल ही चलते जाएंगे। आज तो नहीं लेकिन कल लगाएंगे, कल शाम तक पहुँच कल शाम तक। कैसे 700 किलोमीटर अभी तो बचा हुआ। देखिए अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर कल शाम को भी संभव हो सकता है। हाँ संभव हो सकता है, अगर गाड़ी मिल जाए तो पहुंच जाएंगे कल शाम तक। तो आप लोग किस चीज़ का काम करते बताया था आपने? स्ट्रक्चर का सर। हाँ स्ट्रक्चर का काम करते, तो उसमें कितनी कमाई हो जाती थी? वही हो जाता है 10-15।
दस पंद्रह क्या दस पंद्रह हजार का महीने का जी। अच्छा तो कुछ पैसा ऐसा बचा है कि नहीं बचा है? अभी सैलरी नहीं मिला, महीना लगने वाला था, मिला नहीं सैलरी। तो अभी बिना सैलरी के वो भेज दिया गया जी। फिर कैसे करोगे? वही जो बचा खर्चा था उसी में काम चल रहा है। मार रहे पुलिस लोग। पुलिस ने मारा आपको अभी? नहीं, मारने के लिए डरवा रहा है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कोई नहीं बैठने दे रहा है लोग। बसे बंदे ट्रेने बंदे चार दिन से परेशान है इसी में। अच्छा, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना है, सब कुछ है। सब कुछ राशन पानी का दुकान खुला तो क्या फायदा, जब पैसे ही नहीं। अब सर ये बच्चों को देख के ही तो निकल पड़े, या तो भूखे मर जाएंगे या तो सर जब वही डेली कमाते हैं डेली खाते हैं काम ही बंद है, कुछ काम नहीं है, तो फिर इसके लिए और क्या चारा यही है घर जाने। इस वीडियो के जरिए हमने आपकी पिछले साल की कुछ यादों को ताज़ा करने की कोशिश की है। इस साल तो कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है, पर आज के समय में देखें तो रोजाना 40,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। देश की जनता के मन में फिर से वही सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोबारा लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.